एक घने जंगल में एक अनाथ कौवा रहा करता था। कौवे का नाम था कालू। कालू कौवा कभी नहाता नहीं था, इसीलिए वो बहुत गंदा रहता था और उसके शरीर से हर समय दुर्गंध फूटती रहती थी। यही कारण था कि कालू को दूसरे कौवे और दूसरे पक्षी अपने पास बैठाने से कतराते थे। कालू कौवे का अपना कोई घर भी नहीं था, वो इधर उधर डाल पर बैठकर ही अपने दिन गुजार लेता था। कालू कौवा रानी नाम की एक कौवी को बहुत पसंद करता था। वो रानी के साथ शादी करके घर बसाने के सपने देख रहा था। हाय हाय, रानी कौवी, अगर तुम मुझसे शादी कर ले तो कसम से मजा आ जाए। हम दोनों की जोड़ी खूब जचेगी और हमारे बच्चे भी बहुत सुंदर पैदा होंगे। एक दिन की बात है, रानी कौवी अपने घर के बाहर बैठी मेकअप कर रही थी और गुनगुना रही थी। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे। तभी वहाँ पर कालू आ गया और गाने लगा। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे वो रानी आएंगे तेरे सजना। रानी गुस्से में नाक भौं चढ़ाकर कहने लगी, अरे ओ बदबूदार कालू, तू मुझसे शादी रचाने के सपने देखना बंद कर दे। अरे मनहूस, ना तो तेरे पास घर है और ना तू कोई काम धंधा करता है। ऊपर से तू सालों साल नहाता भी नहीं है। मेरा क्या दिमाग खराब है जो मैं तेरे जैसे बदसूरत से शादी करूंगी? चल भाग जा यहाँ से। कालू कौवा रानी के हाथों अपना अपमान करवा कर चुपचाप वहाँ से उड़ गया और एक पेड़ की डाल पर बैठकर सोचने लगा। हाय, पता नहीं मेरी रानी मुझसे शादी करने से कतराती क्यों है, जबकि मेरे जैसा हैंडसम कौवा तो उसे पूरे जंगल में नहीं मिलेगा, कसम से। तभी कौवे की नजर एक रंग बिरंगे पंखों वाले खूबसूरत मुर्गे पर पड़ी, जो कि अपनी चार पांच मुर्गियों के साथ दाना चुगने में व्यस्त था। कालू मुर्गे को देखकर सोचने लगा, हाय हाय, देखो ये तो हद हो गई, मेरे पास एक भी नहीं है और ये मुर्गा पांच पांच बीवियों के साथ घूम रहा है। जरूर इसके पास मुर्गियों को पटाने वाला जादू है, मुझे भी वो मुर्गे से जादू सीखना चाहिए। कालू उड़कर मुर्गे के पास जा बैठा और उससे कहने लगा, मुर्गे भैया, तुम तो अकेले ही पांच पांच बीवियां लेकर घूम रहे हो, जरूर तुम्हें मुर्गियों को पटाने वाला जादू आता है, क्या तुम वो जादू मुझे भी सिखा दोगे? मुर्गा कौवे की बात सुनकर जोर से हंसा और कहने लगा, अरे बेवकूफ कौवे, ये मुर्गियां किसी जादू से नहीं, मेरे इन सुंदर रंग बिरंगे पंखों के कारण मुझसे इम्प्रेस हुई हैं, समझे? अच्छा जी, तुम्हारे कहने का मतलब है रंग बिरंगे पंख वाले पक्षी किसी को भी इम्प्रेस कर लेते हैं। हाँ यही सच्चाई है, लेकिन तू कभी किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो एकदम काला कलूटा और बदबूदार है। अब तू यहाँ से दफा हो जा, तेरे शरीर की दुर्गंध से मेरा दम घुटा जा रहा है। पा, 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 पा। कौवा उड़कर डाल पर बैठ गया और सोचने लगा, अब ये रहस्य मेरी समझ में आ गया कि रानी कौवी मुझे पसंद क्यों नहीं करती। ठीक है, मैं भी अपने पंखों को रंग बिरंगा बनाऊंगा और चार पांच कौवियों से शादी करूंगा। फिर एक दिन की बात है, कालू कौवा मोर के पास गया और उससे कहने लगा, अरे मोर दादा, आप अगर मुझे अपने दो चार पंख दे दो तो मुझे गरीब का भला हो जाएगा, मुझे आपके पंखों की बहुत जरूरत है। ठीक है, मैं भी नाश्ता हूँ, जैसे ही नाश्ते समय मेरे पंख झड़ेंगे तुम उन पंखों को ले लेना। मोर ने नाचना शुरू कर दिया, उसके तीन चार पंख झड़ गए। कालू उन पंखों को लेकर वहां से चला गया। फिर एक दिन कालू कौवा रंगीन पंखों वाले तोते के पास गया और उससे कहने लगा, तोते भैया, तोते भैया, क्या आप मेरी एक मदद करोगे? अबे मनहूस कौवे, तू कितना गंदा है, तेरे शरीर की बदबू से मेरा जी मचलाने लगा, चल जल्दी से भाग जाए यहाँ से। अरे तोते भैया,
मुझे जल्दी से अपने दो चार पंख दे दो ना, मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। तोते ने जल्दी से अपने दो चार पंख नोच कर कौवे को दे दिए और कौवा पंख लेकर वहां से उड़ गया। फिर इसी तरह कालू कौवा कबूतर के पास गया और पंख ले आया। फिर कालू नीलकंठ के पास गया और कुछ पंख वहां से ले आया। कठफोड़वा और हुदहुद से भी कालू कुछ पंख लेकर आ गया। अब कालू के पास कई तरह के रंग बिरंगे पंख जमा हो चुके थे। फिर एक दिन कालू सारे पंखों को लेकर बंदर मामा की बार्बर शॉप पर गया और उससे कहने लगा, बंदर मामा, क्या आप मेरा एक काम कर दोगे? आप ये पंख मेरे शरीर पर चिपका दो। मैं कोई भी काम मुफ्त में नहीं करता। बदबूदार कौवे, मीठे जामुन लाकर दे तो मैं ये तेरा काम कर सकता हूँ। ठीक है बंदर मामा, अभी आप मेरा ये काम उधार कर दो। मैं वादा करता हूँ कल आपको मीठे जामुन लाकर खिला दूंगा। ठीक है, ला, करता हूँ तेरा काम। बंदर ने कीकर के पेड़ से निकलने वाले गोंद की मदद से सारे पंख कौवे के शरीर पर चिपका दिए और कौवे की काली चोंच को भी लाल रंग से रंग दिया। रंग बिरंगे पंख चिपक जाने से कालू कौवा एक अजीब सा पक्षी नजर आने लगा। कालू जब अपने आप को शीशे में देख रहा था तो वो खुद भी अपने आप को पहचान नहीं पाया और अपने रंग बिरंगे पंख देखकर वो बड़ा ही खुश हुआ। अरे वाह, मेरे शरीर पर तो उस मुर्गे से भी ज्यादा रंग बिरंगे पंख लग गए। अब तो रानी कौवी मुझसे जरूर इम्प्रेस हो जाएगी। फिर कालू बंदर मामा के पास से उड़कर रानी कौवी के घर पर आ गया और डाल पर बैठकर गाना गाने लगा। लेके पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। कालू का गाना सुनकर रानी कौवी अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर आई। वो बदले हुए हुलिये के कारण कालू को पहचान नहीं पाई, बल्कि कालू को देखकर वो डर गई। अरे बाप रे, ये इतनी अजीब शक्ल वाला पक्षी कौन है? लगता है ये कोई दानव है जो मुझे खाने के लिए यहाँ आया है। रानी ने अपनी मदद के लिए अपनी बिरादरी के दूसरे कौओं को बुलाने के लिए शोर मचा दिया। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस भयानक पक्षी से बचाओ। रानी की पुकार सुनकर वहाँ पर बहुत सारे कौवे जमा हो गए और वो भी कालू को कोई खतरनाक पक्षी समझकर चोंच और पंजों से उस पर हमला करने लगे। कालू उन्हें बताने की कोशिश करने लगा। अरे भैया, तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तो तुम्हारी ही बिरादरी का कालू कौवा हूँ। एक कौवा कालू की बात सुनकर कहने लगा, अबे झूठ क्यों बोलता है मक्कार? तू हमारे जैसा कौवा कहाँ है? तू तो कोई खूंखार परिंदा है। और फिर सारे कौओं ने मिलकर कालू को इतनी ठोंगे मारी कि बेचारा कालू थोड़ी ही देर में बुरी तरह से लहूलुहान होकर मर गया। सीख। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपना मकसद पूरा करने के लिए ना तो अपनी पहचान बदलनी चाहिए और ना ही कोई फर्जीवाड़ा करना चाहिए, नहीं तो कालू कौवे के जैसा अंजाम हो जाता है। एक जंगल में एक मादा गोरिल्ला रहा करती थी। उसका एक बच्चा था जो कि बहुत भोला और शांत स्वभाव का था। वो दूसरे गोरिल्ला बच्चों की तरह ज्यादा उछल कूद नहीं करता था, बस किसी पेड़ के नीचे या अपनी माँ के पास शांति से बैठा रहता था। एक बार की बात है, माँ गोरिल्ला अपने बच्चे से कहती है, कोंग बेटा, क्या तूने कभी पका हुआ कटहल खाया है? नहीं माँ, मैंने कभी पका हुआ कटहल नहीं खाया। वो कैसा होता है? तुम मेरे साथ झील के किनारे चलो, वहाँ पर कटहल के पेड़ लगे हुए हैं। आज मैं तुम्हें मीठे मीठे कटहल खिलाऊंगी। ठीक है माँ, चलो।
और फिर दोनों माँ बेटे झील की ओर चल पड़ते हैं। झील पर पहुंचकर माँ गोरिल्ला कोंग को पेड़ पर लटके हुए कटहल दिखाती है और एक कटहल तोड़कर कोंग को खिलाती है। कोंग खुश होकर कहता है, वाह माँ, मजा आ गया, ये कटहल तो बहुत मीठा है। दोनों माँ बेटे पेट भरकर कटहल खाते हैं, फिर झील पर जाकर उसका मीठा पानी पीते हैं और जैसे ही दोनों वापस घर जाने लगते हैं, तभी वहाँ पर दो चीते आ जाते हैं और माँ गोरिल्ला और कोंग को घेर लेते हैं। माँ गोरिल्ला तुरंत खतरा भांप लेती है और कोंग से कहती है, कोंग बेटा, जल्दी यहाँ से भागो और कटहल के पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं अभी आती हूँ। माँ के निर्देश पर कोंग भाग कर जाता है और कटहल के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। उधर माँ गोरिल्ला भी चीतों से बचकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन चीते उसको अपना शिकार बना लेते हैं और उसे अपने मुंह में दबाकर वहां से चले जाते हैं। कोंग अपनी माँ का इतना दर्दीला अंत देखकर बुरी तरह सहम जाता है और डर से थर थर कांपने लगता है। कोंग अब अनाथ हो चुका था, वो इस घने जंगल में बिल्कुल अकेला रह गया था। कोंग ने कटहल के पेड़ को ही अब अपना ठिकाना बना लिया था। उसको जब भूख लगती तो वो पेड़ों से फल तोड़कर खा लेता और झील का पानी पीकर फिर से कटहल के पेड़ पर जा बैठता। इसी तरह से कोंग की जिंदगी के दिन गुजर रहे थे। कोंग सीधा साधा तो पहले से ही था, लेकिन अब अकेला हो जाने के कारण वो बहुत ज्यादा दब्बू भी हो गया था। दूसरे गोरिल्ले और दूसरे जानवर सब कोंग का मजाक उड़ाते और सब उससे अपने काम करवाते। गधा कोंग से कहता, अरे ओ गोरिल्ले के बच्चे, चल इधर आ और मेरे सर में मालिश कर, नहीं तो दुलत्ती मार कर तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा। और बेचारा कोंग गधे की धमकी से डर कर उसकी पीठ पर बैठ जाता और उसके सर की मालिश करता। ऐसे ही जब कोंग कहीं जाता तो पेड़ के नीचे आराम करता हुआ कोई भालू उससे कहता, अरे ओ कोंग, किधर जा रहा है, इधर आकर जरा मेरे पांव तो दबा दे। भालू चाचा, मैं अपने खाने के लिए भोजन तलाश करने जा रहा हूँ, मैं वापस लौटकर आपके पांव दबा दूंगा। अबे पहले मेरे पांव दबा दे गोरिल्ले, भोजन तलाश करने बाद में जाना। और बेचारा कोंग चुपचाप बैठकर भालू के पांव दबाने लगता। बंदर कोंग का खाना जबरदस्ती छीन लेते और कोंग को पीटकर भगा देते और वो बेचारा अपने दुर्भाग्य को कोसता हुआ अपने ठिकाने पर चला जाता। चीतों और भेड़ियों को तो देखकर ही कोंग की हालत बहुत खराब हो जाती थी। फिर एक दिन की बात है, सुबह का सुहाना समय था। एक रंग बिरंगे पंखों और लंबी गर्दन वाला सारस जैसा अत्यंत सुंदर पक्षी टहलता हुआ दाना चुगता हुआ कटहल के उस पेड़ के नीचे आ जाता है जिस पर कोंग रहता था और वो सुंदर पक्षी अपने पंख फैलाकर नाचते हुए सुरीली आवाज में गाना गाने लगता है। कोंग पेड़ की डाल पर बैठा हुआ उस सुंदर पक्षी को देखकर बहुत खुश होता है और सोचने लगता है, अरे इस रंग बिरंगे पंखों वाले सुंदर पक्षी को तो मैंने पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा, ये यहाँ कहाँ से आ गया। तभी अचानक दो बिल्लियाँ वहाँ आ जाती हैं और उस सुंदर पक्षी पर झपट पड़ती हैं। पेड़ की डाल पर बैठा हुआ कोंग पक्षी पर बिल्लियों को झपटता देखकर तुरंत पेड़ से छलांग लगाता है और जमीन पर आ जाता है। फिर बड़ी फुर्ती से पक्षी को अपने हाथ में पकड़कर अपने पेड़ पर चढ़ जाता है। बिल्लियां कोंग पर क्रोधित होकर कहती हैं, अरे ओ कोंग के बच्चे, चुपचाप हमारा शिकार हमें वापस कर दे। अगर तूने हमें हमारा शिकार वापस नहीं लौटाया तो फिर तेरी खैर नहीं। देखो बिल्ली मौसी, तुम मेरे साथ
चाहे जो कर लेना, लेकिन मैं इस सुंदर पक्षी को तुम्हारा भोजन नहीं बनने दूंगा। दोनों बिल्लियां खिसियानी होकर चुपचाप वहां से चली जाती हैं। कोंग पक्षी से कहता है, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है सुंदर पक्षी, तुम निडर होकर अपने घर जा सकते हो। तभी एक चमत्कार होता है। सुंदर पक्षी एक सुंदर परी में बदल जाता है और कोंग से कहता है, कोंग तुम बहुत दयालु गोरिल्ले हो, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम हो कौन? अब से पहले तो मैंने तुम्हें इस जंगल में कभी नहीं देखा। मैं एक परी हूँ कोंग, पक्षी का रूप बदलकर मैं यहाँ विचरने चली आई थी, और मैं तुम्हारे बारे में भी सब कुछ जानती हूँ। जंगल के जानवर तुम्हें कैसे कैसे सताते हैं मुझे ये भी पता है। पता नहीं ये सब जानवर मुझे इतना क्यों सताते हैं, मैं बहुत ही कमजोर हूँ, शायद इसीलिए सताते हैं। तुम कमजोर नहीं हो कोंग, तुम भी दूसरे गोरिल्लों के जैसे ही शक्तिशाली हो, तुम अपनी शक्ति को पहचान नहीं रहे हो। नहीं परी, मैं शक्तिशाली नहीं हूँ, अगर मेरे अंदर शक्ति होती तो मैं जंगल के सभी दुष्ट जानवरों को अच्छा सबक सिखाता। चलो मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्ति से शक्तिशाली बना देती हूँ, फिर देखती हूँ तुम क्या करोगे। परी अपनी जादुई छड़ी से कोंग पर जादू चलाती है और देखते ही देखते 2.5 फुट लंबा कोंग 25 फुट लंबे किंग कोंग में बदल जाता है। जंगल के ऊंचे पेड़ों से भी ऊंचा कोंग का कद हो जाता है। और फिर परी कोंग से कहती है, मैंने अपने जादू से तुम्हें शक्तिशाली किंग कोंग बना दिया है, अब तुम्हें कोई भी जानवर परेशान करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। कोंग किंग कोंग बनकर बहुत खुश हुआ और जंगल में टहलने के लिए निकल पड़ा। किंग कोंग जिधर से भी गुजरता उसको देखकर जंगल के छोटे बड़े सभी जानवर डर के मारे भाग जाते और कहीं छुप जाते। किंग कोंग उस गधे को पकड़कर हवा में लटका देता है और कहता है, क्यों रे गधे के बच्चे, क्या आज तू मुझसे अपने सर की मालिश नहीं कराएगा? मुझे माफ कर दो कोंग बेटा, मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं तुमसे मालिश करवाता था, लेकिन ये तो बताओ तुम नन्हे कोंग से इतने विशाल किंग कोंग कैसे बन गए? ये राज की बात है गधे, मैं तुझे नहीं बता सकता, बस तू एक बात सुन ले, यदि आज के बाद तूने जंगल के किसी भी सीधे साधे कमजोर जानवर को सताया तो मैं तुझे पटक पटक कर मारूंगा। ये चेतावनी देकर किंग कोंग गधे को जमीन पर छोड़ देता है। किंग कोंग को जब एक जगह भालू मिलता है तो वो भालू को भी हवा में लटका देता है और फिर किसी को ना सताने की चेतावनी देकर छोड़ देता है। कोंग के विशालकाय किंग कोंग बन जाने की खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है। एक लोमड़ी भागती हुई दोनों चीते भाइयों के पास आती है और चीतों को बताती है, अरे भैया चीतों, हमारे जंगल पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, भागो यहाँ से। क्या हुआ लोमड़ी चाची, क्या मुसीबत आई है हमारे जंगल पर? एक विशाल काय गोरिल्ला पता नहीं कहाँ से जंगल में घुस आया है, वो जानवरों को उठा उठा कर पटक रहा है। बस इतनी सी बात से तू इतना घबरा गई चाची? अरे तू टेंशन मत ले, हम दोनों भाई उस विशाल गाय गोरिल्ले को देख लेंगे। आज के लंच में हम उस गोरिल्ले का मांस ही खाएंगे। चलो भैया चलते हैं। दोनों चीते वहाँ से चल पड़ते हैं और उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ कुछ जानवर डर के मारे छुपे बैठे थे। चीता उनसे पूछता है, क्या तुम लोग भी उसी विशाल काय गोरिल्ले से डर कर यहाँ छुपे बैठे हो? हाँ महाराज, वो किंग कोंग है और बहुत ही बड़ा है। अरे तुम लोग डरो नहीं, हम दोनों भाई उस गोरिल्ले को मार कर खा जाएंगे।
तभी गोरिल्ले के बड़े से हाथ वहां आते हैं और दोनों चीतों को पकड़कर ऊपर उठा लेते हैं। चीते देखते हैं वो दोनों किंग कॉन्ग के हाथों में हैं। किंग कॉन्ग गुस्से में चीतों से कहता है, तुम दोनों तो वही दुष्ट चीते हो ना जिन्होंने मेरी माँ को मार डाला था। तुम दोनों बहुत अत्याचारी हो, मासूम जानवरों को मारकर खा जाते हो। आज मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। और फिर किंग कॉन्ग दोनों चीतों को एक चट्टान पर जोर से पटक देता है। चीते तुरंत ही मर जाते हैं। किंग कॉन्ग कहता है, मेरे जंगल के भाइयों, आज मैंने इन चीतों को मारकर अपनी माँ की मौत का बदला ले लिया है। प्यारे जंगलवासियों, तुम लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं बिना कारण किसी से कुछ नहीं कहूंगा। तुम लोग भी किसी मासूम जानवर को मत सताना। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो फिर मैं तुम्हें भी सजा दूंगा। ये कहकर किंग कॉन्ग वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद से जंगल के सभी जानवर प्रेम और शांति के साथ रहने लगते हैं। अब कोई जानवर किसी कमजोर जानवर को नहीं सताता। सुंदर वन सच में बहुत सुंदर था। सभी तरह के पेड़ पौधे, फूल पत्तियां और साफ पानी के झिलमिलाते तालाब और सुंदर वन में खिलखिलाते सभी पशु पक्षी। सुंदर वन में एक पेड़ पर गंगाराम तोता, उसकी पत्नी गंगी और छोटा बेटा मिट्ठू उसके साथ रहता था। गंगाराम और गंगी उड़ते हुए दूर दूर जाते और वापसी में खाने की ढेर सारी चीजें मिट्ठू के लिए लेकर आते। पर मिट्ठू लाडला था, खाना खाने में आनाकानी करता। मुझे भूख नहीं है, आप साइड में रख दो, मुझे जब भूख लगेगी मैं खा लूंगा। गंगाराम और गंगी उसे प्यार से समझाते। देखो मिट्ठू, हम इसे प्यार से लाए हैं, कुछ खा लो, खाओगे नहीं तो बड़े कैसे होगे। गंगी बड़े लाड़ से ही कहती, अच्छा तो मैं और तेरे पापा आंखें बंद करते हैं। आंखें हमारी बंद, बताओ कौन खा गया, कौन खा गया। ये कहकर गंगी और गंगाराम आंखें बंद कर लेते हैं। मिट्ठू को इस खेल में मजा आता और जल्दी से वो खाना शुरू कर देता। थोड़ी देर बाद जब गंगाराम और गंगी आंखें खोलते तो देखते कि मिट्ठू खाना खा चुका है और वो उसे लाड़ से पूछते, अरे यहाँ हमारे मिट्ठू के लिए खाना था, कौन खा गया। हाँ हाँ बताओ तो, हमने थोड़ी देर के लिए आंखें क्या बंद की, हमारे मिट्ठू का खाना कोई खा गया। नहीं माँ, मैंने भी आंखें बंद कर ली थी, पता नहीं कौन खा गया, जरूर गुन्नू खा गया होगा। मिट्ठू की भोली और प्यारी बातें सुनकर गंगाराम और गंगी हंसने लगते। वो मिट्ठू को गले लगा लेते और सब मिलकर गाने लगते, सुंदर वन में हमारा घर, छोटा सुंदर प्यारा घर, उस घर में हम सब रहते हैं, खाते सोते और गाते हैं, पीहू पीहू पीहू। मिट्ठू बहुत ही लाड़ प्यार में पल रहा था, इसलिए उसे शरारतें करने की आदत पड़ गई थी। उसकी शरारतों से जंगल के पशु पक्षियों को परेशानी भी होती थी। मिट्ठू कभी किसी को चोंच मारकर उड़ जाता तो किसी का खाना मुंह में लेकर दूर जाकर गिरा देता। मिट्ठू की माँ के पास शिकायतें आती। ऐसे ही एक दिन एक भैंसा शिकायत लेकर आया, हमारे मिट्ठू ने आज मुझे ठीक से चारा नहीं खाने दिया, जब भी मैं चारा खाने के लिए मुंह खोलती ये आता और पंच मार कर उड़ जाता, इसे समझाओ ना। और उसके बाद बंदर ने भी शिकायत की, मैं जैसे ही मूंगफली तोड़कर खाने लगा ये तेजी से उड़ता हुआ आया
और मूंगफली मुंह में दबाकर चला गया। ऐसा इसने 2-3 बार किया। गंगाराम और गंगी मिट्ठू की इन हरकतों से काफी परेशान थे। वो मिट्ठू को समझाते तो वो एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। कभी वो मिट्ठू को जोर से डांटते तो वो मुंह फुलाकर दूसरे पेड़ पर जा बैठता। उसी पेड़ पर लंगूर दादा भी रहा करते थे। मिट्ठू को देखते ही वो समझ जाते कि आज इसे फिर से डांट पड़ी है और ये रूठ कर यहाँ आ बैठा है। लंगूर दादा उसे समझाते, देखो मिट्ठू बेटा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें जो समझाते हैं वो तुम्हारी भलाई के लिए है। तुम्हें शरारतें कम करनी चाहिए और ऐसी शरारतें तो कभी नहीं करनी चाहिए जिससे किसी को कष्ट पहुँचे। लंगूर दादा, पर मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, बड़ा हो जाऊंगा तो शरारतें नहीं करूँगा। आप जब छोटे थे तो कम शरारतें नहीं करते होंगे। इस पर लंगूर दादा हंस देते और प्यार से समझाते, अरे मिठू बेटा, बेवजह जिद करना और दूसरों को तकलीफ पहुँचाने वाली शरारतें करना ठीक नहीं होता। एक दिन गंगाराम और गंगी उड़ते हुए कहीं दूर निकल गए। वहाँ उन्होंने बहुत से अखरोट और मूंगफली के दाने गिरे हुए देखे। उन्होंने आपस में सलाह की, क्यों गंगी, क्या कहती हो, क्यों ना हम इन्हें ले जाकर अपनी खो में रख लें, बुरे वक्त में काम आएंगे और अगर किसी पड़ोसी को जरूरत पड़ी तो उसे भी दे देंगे। हाँ, आप सही कहते हैं, इंसान को अपने बुरे वक्त के लिए हमेशा बचत करके रखनी चाहिए। फिर वो दोनों उन अखरोट और मूंगफली के दानों को ले जाकर अपनी खो में रख लेते हैं। उधर मिट्ठू शरारतें करता हुआ इधर उधर उड़ रहा था कि तभी उसने गुन्नू तोते को अपनी छोटी सी गाड़ी चलाकर जाते हुए देखा। गुन्नू भाई की मोटर चली पम पम पम, मेरे बराबर खड़ा हो किस में है दम। गुन्नू भाई की मोटर चली पम पम पम। बस ये देखते ही मिट्ठू के भी मन में आ गया कि उसे भी ऐसी ही मोटर चाहिए। वो तुरंत उड़ता हुआ घर गया और अपने माँ बापू से कहने लगा, बापू बापू, मुझे भी गुन्नू जैसी मोटर चाहिए। देखो मिट्ठू बेटा, हम तुम्हें वो मोटर नहीं दिला सकते, हमारे पास उतना सामान नहीं है कि जिसे देकर बदले में तुम्हें मोटर दिलवा दें। हाँ बेटा, और फिर अगर तुम्हें मोटर की सवारी करनी ही है तो गुन्नू से दोस्ती कर लो, दोनों मिलकर मोटर की सैर किया करो। नहीं माँ, मैं गुन्नू की मोटर में भला क्यों बैठूं, मुझे तो अपनी मोटर चाहिए ही चाहिए बस। गंगाराम और गंगी ने मिट्ठू को बहुत समझाया पर मिट्ठू नहीं माना। मिट्ठू को पता था कि उसके माँ और बापू ने खो में ढेर सारा सामान इकट्ठा किया हुआ है। वो उसे विशु कबूतर को देकर मोटर ला सकते हैं। विशु कबूतर मिट्टी से तरह तरह की चीजें और अलग अलग डिजाइन की मोटर गाड़ियां बनाने में माहिर था, पर अपने हर सामान के बदले में कीमत पूरी लेता था। उधर मिट्ठू रुककर फिर से लंगूर दादा वाले पेड़ पर जा बैठा। मिट्ठू से पूरी बात सुनने के बाद लंगूर दादा ने भी उसे समझाने की पूरी कोशिश की, पर मिट्ठू ने एक नहीं सुनी, उसने खाना पीना छोड़ दिया था। आखिर थक हार कर गंगाराम और गंगी को मिट्ठू की जिद के आगे झुकना पड़ा। वो अपना सारा सामान, सारी जमा पूंजी लेकर विशु कबूतर के पास गए और मिट्ठू को मोटर दिलवा दी। मोटर पाकर मिट्ठू खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो झूम झूम कर पूरे जंगल में अपनी मोटर घुमाने लगा। मिट्ठू भाई की मोटर चली पम पम पम, मेरे आगे आए वो किस में है दम। मिट्ठू भाई की मोटर चली पम पम पम। इधर उधर मोटर घुमाता हुआ मिट्ठू जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उसकी माँ को इलाज की जरूरत थी। अब एक ही रास्ता था कि गंगी को डॉक्टर बलराम के पास ले जाया जाए। बंदर बलराम बहुत ही काबिल डॉक्टर साहब थे, पर डॉक्टर बलराम ने इलाज का काफी खर्चा बता दिया।
गंगाराम और गंगी तो अपनी सारी जमा पूंजी मिट्ठू के लिए मोटर खरीदने पर खर्च कर चुके थे। मिट्ठू रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो बापू, अब मैं कभी जिद नहीं करूंगा। मुझे ये मोटर भी नहीं चाहिए, इसे विशु काका को वापस दे दो और माँ का जल्दी से इलाज करवाओ। मिट्ठू की बात सुनकर गंगाराम जब मोटर विशु कबूतर को वापस कराने गया तो उसने टका सा जवाब दे दिया, सुन भाई गंगाराम, बिका हुआ माल वापस नहीं होता और फिर मिट्ठू मोटर को कितना इस्तेमाल भी कर चुका है। जब लंगूर दादा को इस सारी घटना का पता चला तो उन्होंने जाकर विशु को समझाया। लंगूर दादा के समझाने पर विशु ने मोटर वापस ले ली और कुछ सामान रखकर गंगाराम को उसका सामान वापस कर दिया। गंगी का इलाज हो गया और वो खुशी खुशी अपने घर लौट आई। गंगी को वापस घर में पाकर मिट्ठू उससे लिपट गया और रो रो कर माफी मांगने लगा, मुझे माफ कर दो माँ, अब मैं कभी जिद नहीं करूँगा, उल्टी सीधी शरारतें भी नहीं करूँगा। बस बस बेटा, चुप हो जाओ, तुम समझ गए यही हमारे लिए बहुत है। गंगा और गंगी ने मिट्ठू को माफ कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी बेवजह जिद नहीं करनी चाहिए। माता पिता सभी फैसले सोच समझ कर लेते हैं, उन पर भरोसा रखना चाहिए। एक था बंटू बंदर, वो कोई काम नहीं करता था, पूरे जंगल में इधर उधर घूमता रहता था, लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना पेट भरता था, लोगों की चुगली करके आपस में लड़वाना उसका शौक था। वो बस चुगली करता, दूसरों को लड़वाता और अपने खाने का इंतजाम करता। उसके बाद कभी किसी पेड़ पर तो कभी किसी नदी किनारे लेटा रहता। उस दिन भी बंटू नदी किनारे लेटा हुआ था कि तभी वहाँ पर दो बकरियाँ आईं। बंदर भैया, बंदर भैया, हम दूसरे जंगल से आ रही हैं। हाँ, इस जंगल में हमारी बुआ रहती हैं। हमें उनके घर का रास्ता नहीं मिल रहा। घर से निकलने से पहले हमारी माँ ने बताया था कि वो हाथी दादा के घर के पीछे रहती हैं। नदी किनारे चलते जाना, बुआ का घर मिल जाएगा। पर हम काफी देर से इधर उधर भटक रही हैं, वो रास्ता नहीं मिल रहा। क्या आप हमें वो रास्ता बता सकते हैं? आपकी बड़ी कृपा होगी। बंटू बंदर ने उन दोनों की ओर देखा और फिर उसकी आंखें गोल गोल घूमने लगी। उसने कई दिनों से कोई शरारत नहीं की थी, उसे एक शरारत सूझी। क्यों नहीं, भटके हुओं को रास्ता दिखाना मेरा काम है। तुम ऐसा करो, सामने वाले बरगद के पेड़ तक जाओ, ठीक है? ठीक है, चली गई। है, फिर बाएं मुड़ जाओ, ठीक है? हाँ ठीक है, मुड़ गई। उसके बाद सीधे चलते जाओ, एक आम का पेड़ आएगा, बस उसी के सामने तुम्हारी बुआ का घर है। धन्यवाद भैया, चलो बहन। ये कहकर दोनों बकरियां उसी रास्ते पर चल दी जहां बंटू ने उन्हें जाने के लिए कहा था। कुछ देर तो बंटू उन दोनों को जाते हुए देखता रहा, फिर पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। वाह, कैसा बेवकूफ बनाया, कैसा मजा आया। बंटू हंस हंस कर लोट पोट हुए जा रहा था, तभी जोर जोर से हंसते हुए उसकी नजर आसमान में उड़ते हुए एक बड़े गुब्बारे पर पड़ी जिसके नीचे टोकरी लगी हुई थी, पर उस टोकरी में कोई बैठा नहीं था। ये क्या है, एक बड़ा उड़ता गुब्बारा, नीचे टोकरी भी लगी है जिसमें बैठा जा सकता है। अरे वाह, इसमें बैठकर तो मैं पूरे जंगल में उड़ सकता हूँ। हाँ। बंटू तेजी से गुब्बारे की तरफ भागा
और टोकरी से नीचे लटकती रस्सी को पकड़ लिया। अब इस रस्सी के सहारे मैं चढ़कर टोकरी तक पहुंच जाऊंगा। बंटू ने रस्सी पकड़ी और कुशलता से चढ़ते हुए टोकरी तक पहुंचा और छलांग मारकर टोकरी में बैठ गया। ये बड़ा गुब्बारा पास के शहर में होने वाली गुब्बारा प्रतियोगिता से भटककर जंगल में आ गया था। टोकरी में बैठते ही बंटू खुशी से नाचने लगा। अरे वाह, क्या चीज हाथ लगी है, इसमें बैठकर तो मैं पूरे जंगल में उड़ूंगा और देखूंगा कि कौन क्या कर रहा है। सारी जानकारी इकट्ठी कर अपने हिसाब से इस्तेमाल करूंगा। अब तो चुगली करने और दूसरों को लड़वाने में और भी मजा आएगा, और जब दो दोस्त आपस में लड़ते हैं तो तीसरे का फायदा होता है, और वो तीसरा मैं ही तो हूँ। आया मजा पंटू यारा, गुब्बारे को आम के बाग की ओर बढ़ाता। ये कहकर बंटू ने टोकरी को हल्का सा धक्का मारा और आम के बाग की ओर चल पड़ा। ये आम का बाग डब्बू भालू और चिंपू भालू का था। दोनों दोस्तों ने मिलकर ये बाग लगाया था। वाह, डब्बू और चिंपू ने मिलकर क्या बाग लगाया है, इतने बढ़िया और रसीले आम है। ये कौन है बाग में? ओ, डब्बू है, ये आम तोड़ रहा है या खा रहा है? ओहो, तोड़ भी रहा है और खा भी रहा है। और चिंपू, वो यहाँ नहीं है, तो बस अपना काम बन गया। बंटू बंदर की आंखें गोल गोल घूमने लगी। उसे चुगली लगाने के लिए मसाला जो मिल गया था, उसने अपने गुब्बारे को वहां उतारा जहां चिंपू था। टोकरी से लगी रस्सी पकड़कर बंटू नीचे उतरा, रस्सी को एक पेड़ से बांधा और चिंपू के पास पहुंचा। क्यों भाई चिंपू, क्या हो रहा है? अरे क्या होना है बंटू भाई, बस सीधा साधा काम है अपना, अपने बाग से आम तोड़ना, राजा जी के दरबार में पहुँचाना, और क्या, और जो मिल जाए उसमें गुजारा चलाना। सीधे सरल हैं भैया हम तो। हाँ चिंपू भाई सही कहते हो, अपना भी ऐसे ही है, पर सीधे सरल होने का नुकसान भी है, कोई भी बेवकूफ बना लेता है। हाँ ऐसे कैसे, पूरे जंगल में कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। हाँ कोई गैर तो नहीं, पर अपना कोई तो बना ही सकता है ना। हाँ बंटू भाई क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो ना। अरे तुम्हारा साथी डब्बू, अभी मैंने ऊपर से देखा, आम तोड़े भी जा रहा था और साथ में खाए भी जा रहा था। अब जो आम उसने खा लिए उसके बदले में तो तुम्हें दरबार से कुछ नहीं मिलने वाला है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, डब्बू मेरा पुराना साथी है और हमारा आपस में समझौता है कि सारे आम राजा जी के यहाँ ही जाएंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे। अरे तभी तो मैं कहता हूँ कि हमारे जैसे सीधे सरल को कोई भी बेवकूफ बना सकता है। नहीं नहीं मैं नहीं मानता, मैं खुद डब्बू से पूछूंगा। हाँ हाँ तो चलो। चिंपू गुस्से में आम के बाग की तरफ चला, साथ ही बंटू भी। बंटू के चेहरे पर तो जीत की मुस्कान भी थी। बाग में पहुंचकर चिंपू ने देखा कि डब्बू आम तोड़ रहा है। हाय देखो बंटू, डब्बू तो आम तोड़कर टोकरी में रखे जा रहा है। अरे चिंपू भाई इसने आम खाया भी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम खुद पूछ लो। चिंपू बंटू की बातों में आ गया और डब्बू के पास जाकर बोला, डब्बू भाई आम तोड़ रहे हो या खा रहे हो? तोड़ रहा हूँ चिंपू दोस्त। पर बंटू ने ऊपर से देखा है तुम आम खा रहे थे, हमारे बीच तय हुआ था ना कि आम हम में से कोई नहीं खाएगा। अच्छा वो, अरे मुझे काम करते हुए भूख लगी तो एक खा लिया, पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हाँ आज पकड़े गए हो, पहले कभी नहीं पकड़े गए, क्या पता पहले कितनी बार खाया है। ये सुनकर डब्बू को गुस्सा आ गया, वो चीख कर बोला, हाँ खाए हैं, क्या कर देगा तू। अच्छा ऐसा, अभी बताता हूँ तुझे।
ये कहकर चिंपू डब्बू से गुत्थम गुत्था हो गया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। दोनों निढाल होकर गिर पड़े। बंटू ने देखा यही अच्छा मौका है। वो चिंपू के पास गया और बोला, चिंपू भैया, मैंने तुम्हें बाग में होने वाली चोरी के बारे में बताया। मेरा इनाम तो बनता है ना, दो आम ले लूं। ये कहकर बंटू ने दो आम लिए और आंखें नचा नचा कर खाने लगा। आम खाने के बाद बंटू ने फिर से अपना गुब्बारा खोला, उसकी टोकरी में बैठा और उड़ चला। अब तो ये बंटू की रोज की बात हो गई थी। वो गुब्बारे में बैठकर जंगल के ऊपर उड़ता, कोई भी घटना देखता तो खूब स्टाइल से चुगली खाता। उसकी इस चुगली खाने की आदत के कारण जंगल में सभी में आपस में खूब झगड़े होने लगे। जंगल की शांति भंग हो गई। सारे जानवर परेशान हो गए। सब इकट्ठे होकर राजा जी के पास पहुँचे। हमने तुम सबकी शिकायत सुनी। हम महामंत्री हाथी जी को इसका समाधान निकालने के लिए कहते हैं। इसका समाधान तो बहुत ही आसान है महाराज। चील बहन, अगली बार जब तुम बंटू को गुब्बारे में उड़ते देखो तो उसमें अपनी चोंच मार देना। गुब्बारे से गैस निकल जाएगी और वो फिर न ऊपर उड़ सकेगा और न ही चुगलियां खा सकेगा। जैसी आज्ञा हाथी दादा। तभी गिलहरी ने ऊपर आसमान की तरफ इशारा किया। वो जा रहा बंटू का गुब्बारा। ये देखते ही चील उड़ी और आसमान में ऊपर पहुंचकर बंटू के गुब्बारे में चोंच मार दी। चोंच लगते ही गुब्बारा और उसमें लगी टोकरी में बैठा बंटू तेजी से नीचे आने लगे और पास की झील में गिर गए। ये देखकर सभी जानवरों ने तालियां बजाई। पर बंटू झील में गिरते ही चीखने चिल्लाने लगा, अरे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। नहीं नहीं, इसे मत बचाओ, ये फिर से चुगली खाकर हमें झगड़े करवाएगा। नहीं, हमें इसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए और फिर जितनी गलती इसकी है उतनी बाकी सबकी भी है। कोई भड़काने वाला कितना भी भड़काए उसकी बातों में आना ही नहीं चाहिए। महाराज की जय हो, मैं अब कभी चुगली नहीं खाऊंगा, मेहनत करके अपना काम चलाऊंगा, शपथ लेता हूँ महाराज। मगरमच्छ, अपनी पीठ पर बैठा कर इसे बाहर निकाल दो। राजा का आदेश पाकर झील के मगरमच्छ ने बंटू बंदर को अपनी पीठ पर बैठाया और किनारे पर उतार दिया। हमें उम्मीद है कि अब तुम इस जंगल के अच्छे नागरिक बनकर रहोगे। मैं वादा करता हूँ हाथी दादा, वादा करता हूँ, अब मैं अच्छा नागरिक बनकर रहूंगा। ये सुनकर सभी जानवरों ने तालियां बजाई और बंटू को गले लगाने लगे।